जी बाबा जी, क्या हाल है आपके? जय हाँ सुमन जी, जय श्री राधे। श्री राधे। बताइए। एक क्या यार अभिक जी, सेकंड एक सेकंड, मेरा कुछ यहाँ थोड़े ज्यादा टेक्निकल हो जाए यार। नहीं, आप जैसे बन पाए कैसे आया, तब तो कहाँ से कहाँ हो जाए। हम कहाँ से कहाँ हैं, नहीं, अब धराधर वीडियो डाल रहा है आजकल। ये तो हमारा धंधा है। अरे मौका दीजिए ना, हम डालने का। हम तो देने के लिए बैठे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जिस टाइम पर आप कांटेक्ट करते हैं उस अलग कुछ ना कुछ और ही रायता फैल रहा होता है उस समय। सर, मेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं हो? यो कोई बात नहीं, वीडियो की टेंशन मत लीजिए। फेल टू स्टार्ट द वीडियो कैमरा, प्लीज सिलेक्ट अनदर वीडियो सेटिंग्स। सर कैमरा सेटिंग्स में जाके कैमरा चूज कीजिए। स्कूल लाइफ में ये सब सीख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अरे स्कूल लाइफ में कौन सीखता है, मैंने भी तो अभी सीखा है। आप तो दिल लग लगे पड़े हुए हो ना इसी। आपसे किसने मना किया है, कोई पैसे मांग रहा है क्या? देखिए ये है हमारा वीडियो एडिटर, काम शुरू करें। मैं ऑन नहीं कर पाया, थोड़ा दिखा दिए, पता नहीं क्यों ऑन मेरा नहीं कर। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, स्ट्रीम लैब्स क्रॉस क्लिप, हाँ दिख रहा है, करेक्ट। देखो पहले पहले कुछ बात कर लेते हैं। आपका वीडियो कितना बड़ा है? मेरा वीडियो, हर वीडियो है एवरेज 12 से 15 मिनट लॉन्ग बारह वीडियो। से 12 से। वीडियो के अंदर भी कुछ एडिट करना है क्या आपको? नहीं, जस्ट इंट्रो डालना है तो जो जहाँ पे थंबनेल रहेगा वो, और फिर क्लोजिंग डालो और फिर म्यूजिक डालो सिर्फ इंट्रो और एक्स्ट्रो में, बाकी तो पूरा कंटेंट है। कोई हमें मतलब फालतू वाला बात तो करना है ही नहीं। फेल टू स्टार्ट वीडियो कैमरा, प्लीज सिलेक्ट अनदर वीडियो कैमरा इन सेटिंग। कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने? मेरा मेन सुनील चौधरी गुरुजी वाला। कौन सा आपका, मेरे को पता नहीं, लेकिन एक आपने शायद भेजा था पहले, तभी जो देखा था उसके बाद से मैं देख रहा हूँ, आ ही रहा है बार बार। हाँ शायद ये वाला। अभी तो मैं कम डालता हूँ यार, पहले तो मैं दिन में तीन तीन वीडियो डालने लगा था। देखो मैंने एक वीडियो बना के भेजी थी आपके लिए, हाँ मार्केटिंग रील्स इन कैनवा, बहुत बढ़िया। देखी थी? फिर नहीं ये नहीं देखा मैंने, कब डाला ये? क्या दिक्कत है? ये पब्लिश हो गया क्या? अच्छा देखिए एक सेकंड, देखिए एक वीडियो मैंने डाला है, हाउ टू क्रिएट मार्केटिंग रील्स इन कैनवा, ये और पब्लिक है, पोस्टेड है ये? हाँ सब पब्लिक। एक है अच्छा हाउ डिड आई यूज रील एंड मॉडिफाइड इट, और किसी और की रील थी मेरे पास आई, मैंने मॉडिफाइड करके अपनी बनाई। ठीक है। एक बनाया है पूरा थंबनेल 4 मिनट में, और बैकग्राउंड कैनवा में कैसे हटाएं वीडियो का, अच्छा और दोनों का है। और देखिए कैनवा में हाउ टू क्रिएट वीडियो इन कैनवा विद इंट्रो एंड आउट्रो, ये आपके लिए वीडियो बनाया था मैंने, ये देख लो। कौन सा? हाउ टू क्रिएट वीडियो इन कैनवा विद इंट्रो एंड आउट्रो, अच्छा ठीक है। हाँ ये आपसे बात हुई थी ना, उसके हाँ हाँ बाद बनाया था मैंने ये। उसके अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लूंगा एक बार। बाद है कैनवा की तो यूनिवर्सिटी है, इतनी सारे वीडियो डाले मैंने कैनवा के। कैनवा में कर रहा था लेकिन वो लॉन्ग वीडियो बाद में लेना बंद कर देता, अभी मैंने स्ट्रीम लैब में स्विच किया ना। दस दस मिनट से कम की वीडियो रखेंगे ना आप कैनवा में तो हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा आप। तो फिर बड़ा वीडियो क्या करें, मेन तो बड़ा वीडियो ही है। चलिए एक बार मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। अब चलते हैं स्ट्रीम लैब्स में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल नया। ओके देख पा रहे हैं हाँ देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्रिएट न्यू वीडियो। हाँ करेक्ट, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? आ रहा है आ रहा है। तो मैं एकदम नया वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ स्क्रैच से। और आपका फाइल यहाँ पे रेस्टोर कैसे हो रहा है? हर फाइल ये नहीं हो रहा है मेरा। अरे रुक जाओ यार, अब कर लेते हैं ना धीरे धीरे। एक सवाल क्लियर करते हैं पहले। तो हालांकि मैं 1 साल से टच नहीं किया है मैंने इसको, स्ट्रीम लैब्स के वीडियो एडिटर को, बट अरे आज साल में आज तो देख, कुछ नहीं किया, क्या मैं बात तो कर। फिल्मोरा चलाता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ अपना वीडियो। जैसे मेरा एक वीडियो है, कहाँ गया, ये रहा, 5 कॉमन प्रपोजिशन, ये वाला वीडियो दिख रहा है क्या? ये वाला वीडियो मैं ले आया, 5 कॉमन प्रपोजिशन। तो इंट्रो कहाँ से लेकर बना के आए, कैनवा से बना के लाए इंट्रो? हाँ कैनवा से लेके आए, दिक्कत वहीं पे चलो हो रहा है। मैं कैनवा से सारा ऑडियो भी ऐड कर रहा हूँ और वो इमेज भी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोई प्लग बात, इन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो नीचे नहीं आ रहा मैं भी करके देखता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने भी किया नहीं है इससे कभी ज्यादा कुछ, देख लेते हैं। है। हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज एस्पेक्ट्स हो, या हाँ हो एक सकता है वीडियो, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हो। हाँ एक वीडियोस को हमें डाउनलोड करने में 4 दिन चला गया, मैं बार बार खोल रहा हूँ। एक तो वो नोटिफिकेशन भेजता है, ये इसका अच्छा है, जब उसको एक्सपोर्ट फाइल करता है वो बोलता है कि आप चले जाओ, ब्राउजर क्लोज कर दो, आपके मेल पे एक्सपोर्ट वीडियो चला जाएगा। ये हो गया मेरा इंट्रो, ठीक हाँ है? इंट्रो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट से, और एक बना देता हूँ लगे हाथ आउट्रो। अभी आउट्रो रसलोचन का वही कहानी याद आ रहा है। ये हो गया हाँ हमारा आउट्रो, ठीक है? इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा इंट्रो आउट्रो में तो म्यूजिक लगा के डाउनलोड कर ले तो ज्यादा बेटर है ना? हाँ म्यूजिक लगा के कर रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक में अलग से डाल रहा हूँ, मेरा कुछ सिलेक्टेड लॉयल्टी ऑलरेडी म्यूजिक है। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं अपना अब यहाँ वो से म्यूजिक के साथ लेके यहाँ करता पे हूँ। हो रहा है कि नहीं, यही सब बातें, मतलब जब मैं ऑडियो को डाल रहा हूँ वहां पे एक सेकंड और यार, कर एक टाइम सेकंड। लाइन पे ऐड कर रहा हूँ तो चीजें नहीं सिंक हो रहा हाँ तो मुझे वहां तक पहुंचने तो दो अब आप। तो ये मेरा आउट्रो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से मैं ऑडियो में भी म्यूजिक लगाता हूँ। और यहाँ से इंट्रो को भी मैंने डाउनलोड कर लिया, ये दोनों डाउनलोड होते रहेंगे। मीन वाइल मैं क्या करता हूँ, मेरा वीडियो कहाँ गया, ये रहा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये आगे पीछे हो रहा है। अभी मैं एक और वीडियो लूंगा, कहाँ से वीडियो मीडिया में मिलेगा ना? मेरे। हाँ तो रहा है, देखो एक वीडियो मैंने ऊपर लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया। ये क्या ला रहा है, वीडियो ला रहा है ना? हाँ
अब आप ऑडियो लाइए और वो लाइए, ऑडियो और थंबनेल आ जाएगा। ऑडियो लाइए, आप ला रहा हूँ मैं, ला आ रहा जाएगा, आप ऑडियो लाइए, हूँ, ऑडियो लाइए, ऑडियो आ रहा है ला रहा क्या? हूँ, ला रहा 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 हूँ। गुरु जी इंग्लिश क्लासेस का ऑडियो आ गया। येरा नहीं, मेरा नहीं आ रहा है। पैसे दिए क्या स्ट्रीम लैब्स को? फ्री पैसे किस बात? में यूज कर रहे थे? तो इसमें कैसे एक्सेस करना है? पता नहीं, नहीं, दे दे तो। आप स्ट्रीम लैब्स को हाँ, फ्री में यूज कर रहे हो? इसमें क्या मतलब, कहाँ पे करना है? एक मिनट, एक मिनट, आप उतना ही जवाब दो ना जितना मैं पूछ रहा हूँ। और आप कर पा रहे हो, ये सवाल है मेरा। हाँ, कर पा रहा हूँ, पैसे ही नहीं मांगे उसने? पैसे नहीं मांगे। गजब, मैं पैसे देता हूँ हर महीने 20-25 डॉलर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम आउटरो भी ले आते हैं, आउटरो। और सबसे पहले हम पूरा वीडियो बना लेते हैं, यहाँ से इंट्रो लाते हैं, फिर हम यहाँ से लाएंगे आउटरो। देखिए ये लाल कैसे हो गया? अच्छा, प्रोसेसिंग। इंट्रो को मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ चला गया बे? हाँ, इंट्रो ऐड हो जाएगा, मेन ऑडियो का ही उसमें। आप ऐसे एक पटक से एक बार में ऐड हो गया, पता नहीं कैसे, मेरे को तो वही दिक्कत हो रहा था। ये हो गया इंट्रो, ये हो गया हमारा मेन वीडियो। ठीक है जी, हाँ, आपका जो मेन वीडियो है वो रेडी है, मेन वीडियो रेडी है उसमें कुछ एडिट नहीं करना? ना, पता तो फिर तो कैनवा में ही कर लो यार, बात समझ रहे हैं नहीं, हमारी? फिर अनलोड नहीं तो ले रहे, पता नहीं कहाँ पे गैप है। वो भी बता रहा हूँ, रुक जाओ, वो भी बताता हूँ, दोनों बताता हूँ। मैं एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट तो याद नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि आपके ये ओवर है तो ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा क्या पता नहीं क्या क्या कैनवा कैनवा में में। हाँ, तभी मैं तो स्विच किया, लेकिन अदरवाइज मैं तो कैनवा में शुरू में, जब वो तो कैनवा में ही था मेरा पूरा अच्छा अरे खासा। अगर दोनों में नहीं होता ना तो सबसे बढ़िया इलाज फिर वही है, क्या बोलते हैं, फिल्मोरा। नहीं, इसका स्क्रीन नमस्कार शॉट दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी मैं इंग्लिश डिस्कलाइज क्लासेस। इज मेरा मैं नाम है इट्स सुनील चौधरी और मुझे जाना जाता है। परफेक्टली। देखो भैया, हमने आउट्रो भी लगा दिया, इंट्रो भी लगा दिया, और क्या लगाना था बताना जरा। नहीं, बस 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 इतना ही। तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी इसमें लगाने में? म्यूजिक ऐड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, डाउनलोड जब हो रहा है तब बोल रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। लिए एक और म्यूजिक लगाता हूँ, कहीं से लाता हूँ एक और म्यूजिक, फ्री म्यूजिक एरा, और यही ले आता हूँ, बुकमार्क वाला म्यूजिक ले आया मैं। ठीक है जी, बुकमार्क वाला म्यूजिक ले आया मैं, ये हो गया, इसको मैं लेके आया नीचे, यहाँ पे ड्रैग करके डाल दिया। देखिए, आप उसको क्या कर रहे हो, जब ऑडियो पे जस्ट क्लिक करके बता रहे हो ऐड टू टाइमलाइन ना, जब नहीं ऐड भाई, देखो मीडिया में गया, टू ऑडियो को पकड़ा, प्लस का बटन दबाया, देखिए टाइम। यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ सेट कर दिया, जहां भी सेट करना था वहां, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेट करना था ना इसको। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार, पता नहीं किस लिए नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाओ यार, और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, दोबारा भी ऐड करेंगे एक बार, क्योंकि पूरा टाइमलाइन हो नहीं रहा है ना, एक बार और लाएंगे इसको यहीं पे, एक बार और लाएंगे, क्योंकि कम पड़ रहा है यहाँ तक, उससे पहले तक, क्या नाम है, आउट्रो से पहले तक, राइट? हाँ आउट्रो से पहले तक रखेंगे, इंट्रो के बाद रखेंगे, और प्ले करते हैं शुरू से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मुझे जाना है। अब हमारा ऑडियो भी है और यहाँ पर भी नीचे भी ऑडियो लगा हुआ है। अब नीचे वाले ऑडियो को अगर मुझे वो करना है, क्या बोलते हैं, कुछ उसका वॉल्यूम कम करना है, क्योंकि वो भी ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आपको ऑडियो की सुनाई दे रही है आवाज? हाँ तो नीचे वाले ऑडियो की मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ मेरा ऑडियो चले और बैकग्राउंड में भी आवाज आए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक, तो यहाँ पे देखिए ट्रैक वॉल्यूम आ रहा है, ट्रैक वॉल्यूम, ट्रैक वॉल्यूम मतलब गाने वाला। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू, कम हो गया, और कम कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी, हो गया ना, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम को कम ज्यादा भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मुझे जाना जाता है सुनील टेम्स ठीक गुरुजी है के ठीक नाम से भी। और ट्रैक की स्पीड को भी हम स्लो और ज्यादा कर सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट्स को भी फेड कर सकते हैं। अब ट्रैक स्पीड क्या हो गया? ट्रैक की स्पीड को नॉर्मल कम ज्यादा कर सकते हैं, स्लो वाला ट्रैक कर सकते हैं, तेज अच्छा कर सकते हैं उस ट्रैक को। अब देखिए, मेन वीडियो पे मैंने क्लिक किया, मेन वीडियो पे, मेन वीडियो पे क्लिक करके ऑप्शन आ रहे हैं स्पीड का, ट्रैक मेन वीडियो के वॉल्यूम का, ऑडियो इफेक्ट का, एनिमेशन के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, एडजस्ट में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एडजस्ट में भी पता नहीं दुनिया जान के ऑप्शन है, खैर हाँ, मतलब मेन वीडियो में भी कोई छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने हो तो वो भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। और साउंड, यहाँ पर भी म्यूजिक है ऑलरेडी, मतलब चिड़िया वड़ियाओं की आवाज आवाज लगानी हो वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, मतलब इसके अंदर भी म्यूजिक है, ट्रांजिशन है, टेक्स्ट है, फिल्टर्स भी हैं इसके अंदर, कमेंट्स भी हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं वो देखने वाली बात है, ओनली ऑडियो, कैमरा, स्क्रीन, स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी एक चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन या कैमरा में से दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। और अब कर देता हूं मैं एक्सपोर्ट, कुछ और पूछना है आपको इसमें या एक्सपोर्ट नहीं कर नहीं दूं? इतना हो जाए तो एक्सपोर्ट तो हो ही जाएगा। हो जाएगा पक्का? हाँ, ये हो जाए तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट हो रहा है ये, और डायरेक्ट आप यूट्यूब पर भी पब्लिश कर नहीं, वो सकते नहीं हो कर यहाँ रहा, से। क्योंकि कुछ लिखना होता है तो पहले मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ,
एक्सपोर्ट करने के बाद वो जहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ उस फाइल में चला है, मतलब आपका ये हाँ डायरेक्टरी में चला है, ये आता हाँ है, ये ठीक है, इसके इसका ये वाला फीचर बहुत अच्छा। अभी बोला ना कि आप चले जाओ, क्लोज कर दो, ये आपका ऑटोमेटिकली मेल पे चला जाएगा। अरे ये बहुत स्ट्रीम लैब्स का ना, आप हाँ यहाँ से अपनी ब्रांड के कपड़े टी शर्ट भी बेच सकते हो। देखो मर्च है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, डेस्कटॉप डिजाइन है, एंड सेल ब्रांडेड मर्च, हाँ ये इसके क्या है, अंदर सोशल रिमाइंडर्स भी हैं, ठीक है, इसके अंदर लोगो डिजाइन एंड वेकर सेल भी। ब्रांडेड मर्च क्या हो गया? अरे मर्चेंडाइज, अपनी टी शर्ट, अपना कैप, अपनी ब्रांड के लोगो के, अच्छा, और क्रॉस क्लिप अपनी, यहाँ से आप वो भी बना सकते हो, क्या बोलते हैं, बिल्कुल रील्स और शॉर्ट, रील्स और शॉर्ट्स बना सकते हो, बड़े वीडियो में से छोटे, बड़ा और वीडियो लिंक, कट करके ना। हाँ, और लिंक स्पेस से अपना जो है लिंक बना सकते हो, एक लिंक से ही, एक लिंक देना आपको सब जगह, बस उसी से काम हो जाएगा। ये टॉक स्टूडियो है, 10-15 जगह लाइव जाना हो डायरेक्ट तो यहाँ से लाइव चले जाओ, और यहाँ से डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लो स्ट्रीम लैब्स को, तो डेस्कटॉप से यूज कर सकते हो। तो क्रॉस क्लिप बेसिकली आपका रिपर्पस वाला हो गया शॉर्ट वीडियोस के। हाँ जी, हाँ जी, एक क्रॉस क्लिप थोड़ा इसमें करके दिखाएंगे, क्रॉस क्लिप मैंने बना के दिखाया हुआ है। भुम 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 कैनवा भुम पे भुम। नहीं, इसमें। रुक जाइए, कैनवा में ज्यादा आसान है करना नहीं अच्छा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कैनवा में ज्यादा आसान है, बट इसके अंदर भी अलग, इसका अलग लेवल का आसान है। नहीं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। नहीं, ये तो रील्स का दिख रहा है। हाँ क्रॉस क्लिप से ही है ना, हाउ टू यूज स्ट्रीम लैब्स क्रॉस क्लिप टू मेक शॉर्ट्स एंड रील्स क्लिप फ्रॉम वीडियोज, अच्छा, ये पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा इसको हाँ, आउट और ये टू भी आपके लिए बनाया था, आपसे ही बार बार बात चल रही थी तभी बनाया था ये भी। मेक शॉर्ट क्रॉस क्लिप टू मेक शॉर्ट एंड रील्स क्लिप फ्रॉम वीडियोस। अच्छा, तो मतलब वो वाला वीडियो को हम रील तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट्स ही हो गया ना, शॉर्ट वीडियोस ही हो गया ना। हाँ रील्स और शॉर्ट्स एक ही बात। हाँ ठीक तो वीडियो आप देख लेंगे तो उससे आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। है, मैं कर लेता हूँ। और वो और फेसबुक वाला जो बोल रहा था ना, वो क्लाइंट एक्सेस का, क्या क्लाइंट है, मतलब अपना मेरा सारा चीज तो उसमें चल ही रहा है, लेकिन अगर मैं क्लाइंट का पेज में, क्लाइंट का प्लेटफॉर्म में कुछ कर रहा हूँ, हाँ लेकिन क्लाइंट का निश और मेरा निश में कुछ वो ना हो जाए कि कुछ नहीं उसके। होगा, बता तो दिया था, एडमिन को ग्रुप का एडमिन बनाना है, जो फेसबुक का पेज है उसको ग्रुप का एडमिन बनाना है, बताया तो था मैंने। आप फेसबुक ग्रुप को बता रहे थे ना, तो फेसबुक ग्रुप है मेरा डिजिटल असेट बिल्डर्स, ऐसे समझिए, ये फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का एडमिन मैं, मेरी प्रोफाइल भी है, यानी मेरी प्रोफाइल भी इसको मैनेज कर सकती है, और एक फेसबुक का पेज, नॉट प्रोफाइल, फेसबुक का पेज भी इस ग्रुप का एडमिन है, दिखाता हूँ। मेंबर्स, मेंबर्स में सुनील चौधरी जो है, ये प्रोफाइल है, ऊपर देख रहे हो प्रोफाइल, ये प्रोफाइल भी इस ग्रुप को मैनेज करती है। एक पेज है फेसबुक का पेज, इन्फ्लुएंस यार्ड, देख रहे हो पेज लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज भी इसको मैनेज करता है, और ये एक और पेज है सुनील चौधरी गुरुजी, ये एक और पेज है, ये भी इसको मैनेज करता है। तो किसको मैनेज कर रहा है ये, एक ग्रुप को? तो इस ग्रुप को, तो जब एक मैं, पेज मैनेज कर रहा है, एक प्रोफाइल मैनेज कर रहा है, और एक और पेज, और एक पेज। हाँ जितने मर्जी पेज कर सकते हैं, जितने मर्जी प्रोफाइल कर सकते हैं, तो जब मैं अपने प्रोफाइल से इसको मैनेज करूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये बंदा इस ग्रुप से कनेक्टेड है, और जब ये इन्फ्लुएंसियर वाली कंपनी इसको मैनेज करेगी, है ना, तो मतलब लोगों को लगेगा कि नहीं, लेकिन आप इन्फ्लुएंस, मान के चलिए, आप अपना 10 क्लाइंट से भी इसके मतलब और क्लाइंट के पेज आप मैनेज कर, उसका अकाउंट आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसका अकाउंट का जो है सारा प्रमोशंस वगैरह वो आपका पेज में ना दिख जाए या ना आ जाए। वो दिखता ही नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बता दिया इस क्वेश्चन का जवाब, आप कितनी बार पूछ चुके हो, मैं कितनी बार सेम जवाब दे चुका हूँ, ऐसे नहीं दिखता है, ना कोई मतलब ना कोई फर्क पड़ता है, और सिर्फ सवाल पूछ रहे हो आप, करोगे जब तो दिक्कत आएगी ना मेन। नहीं, वो ही एग्जीबिशन का ही सात वो आठ बोल साल से रहा सवाल पूछ रहे हो, 7-8 महीने से, बट आपने अभी तक है। इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तब रियल प्रॉब्लम आएगी, रियल प्रॉब्लम आएगी तो रियल सॉल्यूशन भी मिलेगा, है कि नहीं। एक्सेस कहाँ से, एक्सेस का क्लाइंट का क्या एक्सेस मैं ले लूँ, मतलब उसका पेज का ही एक्सेस लूंगा ना। एक सेकेंड, हाउ टू, एक सेकंड, मैंने कोई वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अभी आपका प्रोफाइल से वो ग्रुप में एक्सेस हो रहा था और एक पेज से भी आपका एक्सेस हो रहा था। इन्फ्लुएंसर ऐड जो था वो आपका प्रोफाइल था ना? नहीं, पेज 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 पेज, पेज था। ये इन्फ्लुएंस यार्ड है, मैंने फिलहाल इन्फ्लुएंस यार्ड खोला हुआ है। अब मैं अगर डिजिटल सेट बिल्डर में पोस्ट करने जाऊंगा तो इन्फ्लुएंस यार्ड की तरफ से पोस्ट होगा, देख रहे हो ये, हाँ, हाँ तो इन्फ्लुएंस यार्ड की तरफ से पोस्ट होगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा मैंने पोस्ट किया है कि इन्फ्लुएंस यार्ड ने किया है, इन्फ्लुएंस यार्ड ने किया है सब लोग यही मानेंगे, देखिए मेरे ग्रुप में इन्फ्लुएंस यार्ड ने पोस्ट किया है कि नहीं। तो हाँ आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल से कर सकते हो, आप चाहो तो तो, अगर मैं चाहूँ और मैं इन्फ्लुएंसर से बात करना चाह रहा हूँ, अभी इन्फ्लुएंसर तो यहाँ पे स्ट्रेंजर है, और अब मैं एज अ कस्टमर मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल में तो जाके। अच्छा इन्फ्लुएंस यार्ड के पोस्ट पर कमेंट कीजिए ना, और नहीं तो इन्फ्लुएंस यार्ड पे क्लिक कीजिए, इन्फ्लुएंस यार्ड पे क्लिक करेंगे तो मैसेज भेजने का ऑप्शन आएगा। अच्छा अभी वो इन्फ्लुएंसर के ऊपर है, कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा अलग बात, लेकिन इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल में कुछ इसका
नहीं जाएगा। ना इन्फ्लुएंसर ऐड के नहीं, मेरे प्रोफाइल में कुछ नहीं जाएगा। इन्फ्लुएंसर ऐड से तो पोस्ट करवाई है हमने, हाँ इन्फ्लुएंसर ऐड तो चाहता है पोस्ट करना, हाँ आप नहीं चाहते अपनी प्रोफाइल दिखाना, तो मैंने अपनी प्रोफाइल नहीं दिखाई यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर ऐड की तरफ से पोस्ट किया है। अब सीधी बात है, मुझे इन्फ्लुएंसर ऐड की तरफ से करना है तो वो ऑप्शन भी है, मुझे अपनी प्रोफाइल से करना है वो ऑप्शन भी है, अब जो चाहे वो इसका कर भी सकते मतलब हैं। यही हो गया ना कि क्लाइंट आपको एक्सेस दिया एज इन्फ्लुएंसर्ड इन द पेज। हाँ वो अपने पेज पर आपको वो बनाएगा, क्या बोलते हैं, एडमिन, अच्छा हाँ ये बात हो गया, वो हमें उसका पेज में एडमिन बनाएगा, दैट इज द पार्ट, एडमिन या एडिटर बनाएगा। एडिटर का एक्सेस देगा या तो एडमिन का एक्सेस देगा पेज में ना, हाँ हाँ जी हाँ नहीं, कहाँ से देगा वो पेज में। अरे वो मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा, टेंशन मत लीजिए। पेज में ऑप्शन होता है थोड़ा बहुत, वो तो बेसिक है यार, पेज से एडमिन या तो एडिटर बोला आपने, एडमिन या एडिटर, हाँ एडमिन या एडिटर। हाँ एडमिन एडिटर एक्सेस दे देगा, तो उससे मेरे को उसका उसका फ्रेंड बनने का जरूरत नहीं ना कि वो, अरे यार फ्रेंड बन जाओगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, अरे फिर वो प्रोफाइल में आ जाएगा ना सारा चीज, उसका कॉन्सेप्ट कहानी आ जाएगा मेरे प्रोफाइल पे, फिर वो दिक्कत कैसे हो आ जाएगी। जाएगा, कैसे आ जाएगा। फ्रेंड एक्सेस होगा तो जो भी वो पोस्टिंग कर रहा है मेरे पेज में, मेरे उसका क्या कहते हैं, मेरा टाइमलाइन पे आ जाएगा ना सब जगह में उसका जबरदस्ती आ जाएगा, कंटेंट। कैसे आ जाएगा, जबरदस्ती क्यों आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं भी तो इतने सारे क्लाइंट्स मैनेज कर रहा हूँ 8-10 साल से, मेरा तो कुछ नहीं आया अभी तक किसी का। वो आप तो पेज से एडमिन का या तो उसका ले रहे हो ना एडिटर का एक्सेस, ऐसे ही कर रहे हो ना। अरे तो एडिटर इसमें एक्सेस लेने के लिए चचा पहले फ्रेंड बनना पड़ता है, फ्रेंड को ही मिल सकता है एडमिन और एडिटर एक्सेस। अच्छा उसका आपका डिफरेंस हाँ क्या है। एरे गैरे के वो रास्ते चलते आदमी को नहीं मिलता, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी फ्रेंड, अच्छा देन अच्छा ओनली यू और कैन गेट द आप एडिटर एंड एडमिन ओके, एक्सेस। और आप जब एडिटर एक्सेस ले लिए उसके आधार पे आप ग्रुप में भी तो एक्सेस कर सकते हो, मतलब ग्रुप में भी तो पोस्ट कर सकते हो ना, जैसे पेज और में क्या, तो और क्या, पेज में और ग्रुप में। ग्रुप का भी आपको एडमिन एक्सेस लेना पड़ेगा, या मैं वो मॉडरेटर एक्सेस लेना पड़ेगा, पेज का भी लेना पड़ेगा, दोनों का लेना पड़ेगा। अच्छा और ठीक है, यहाँ मतलब से बेसिकली हमें वो मॉडरेटर का और उसका एडमिन का एक एक इनविटेशन भेजेगा ऐसा समथिंग लाइक। आपको इसमें कुछ करना है कि ऐसे ही पूछ रहे हो आप, पहले तो ये बताओ। तो नहीं नहीं एक्शन के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही पूछते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है ठीक है क्योंकि जब आप करोगे तो रियल स्थिति से गुजरोगे, आप ठीक है ठीक है रियल स्थिति से गुजरोगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी हाँ। जो आप पूछ रहे हो वो आप मुझसे पहले भी पूछ चुके हो ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, नहीं मे भी थोड़ा टाइमलाइन का डिफरेंस हो गया और कुछ पहले नहीं। भी मैं जवाब दे चुका हूँ ना इस क्वेश्चन का, इसलिए जब आप रियल करोगे, रियल डेली करोगे, पहले तो अपना ही एक फेसबुक पेज बनाओ ना, आप दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, पहले अपना ही फेसबुक पेज बनाओ, अपना ही एक ग्रुप बनाओ, अपने ही ग्रुप को अपने ही फेसबुक पेज से वो करवाओ मैनेज, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अपने ही ग्रुप को अपने ही प्रोफाइल से मैनेज मत करो, अपने ही ग्रुप को अपने फेसबुक पेज से करो। एक सेकंड यार, तो मैं बताता हूँ मैं। जब आप हवा हवाई नॉलेज लेते रहते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर समझ में नहीं आती चीजें। ये मेरा फेसबुक पेज है, देखिए सुनील चौधरी गुरु जी, ये हाँ मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, देख रहे हैं आप, 14,000 फॉलोअर्स, ये मेरा फेसबुक पेज है, प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, पेज है। और यहाँ पर मेरा ये ग्रुप है डिजिटल असेट बिल्डर, मैं इस ग्रुप को चाहूँ तो अपनी प्रोफाइल से भी मैनेज कर सकता हूँ। देखिए ये वाली पोस्ट डाली है इन्फ्लुएंसर आर्ट, ये वाली पोस्ट डाली है सुनील चौधरी प्रोफाइल ने, और अब मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ, रक्षा बंधन ऑफर इज कमिंग फॉर ऑल सिस्टर, रक्षाबंधन ऑफर इज कमिंग फॉर ऑल सिस्टर, बी रेडी, ये मैंने डाली है पेज की तरफ। अब देखिए ये पोस्ट किसने करी है, पेज ने, ये पोस्ट किसने करी है, पेज ने, और ये पोस्ट किसने करी है, प्रोफाइल ने, क्लियर हो गया। तो अपने ही ग्रुप को अपने ही पेज से मैनेज करवाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब यही चीज हाँ क्लाइंट के लैंग्वेज में करो, मतलब उसका प्लेटफॉर्म और सेम चीज वहां कर लो फिर। और ये मैंने बनाया है, ये वीडियो कैसा लग रहा है, देखो कौन सा, ये वीडियो मेक मनी विदाउट सर व्हाट। ओवरले देखो ना, ओवरले हेलो कैसा है, एवरीवन वेलकम टू लाइव। ओवरले देखो ना वीडियो का, अच्छा, ओवरऑल ये फोटो रुपए लगे हुए हैं, हेडिंग लगा हुआ है वीडियो का, वीडियो भी है, लाइव सेशन तंगड़ा ओवरले बनाया ना, एकदम रौनक मेला टाइप का, ये उससे बनाया है, टॉक स्टूडियो से बनता है ये, स्ट्रीम लैब्स के अंदर है ना जो टॉक स्टूडियो, हाँ। उसी से बनता है टॉक स्टूडियो। अगर कोई आदमी एक्टिव है और स्ट्रीम लैब्स अगर यूज कर रहा है और एक्टिव है, तो हाँ समझो मतलब फिर कोई रोक नहीं सकता उसको सफल होने से, सीधी बात। स्ट्रीम अगर कोई लैब्स, अगर कोई एक्टिव है और स्ट्रीम लाइफ पे, हाँ स्ट्रीम लैब्स यूज करता है तो मतलब फिर सक्सेसफुल है वो बंदा। और कोई सवाल आपका अभिक जी, बताइए। थैंक सो क्या थिंक, अभी जस्ट एग्जीक्यूशन की बात है, बाकी मैं देख रहा यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। था।